वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम रितु एंड यू आर वाचिंग रितु हांडा। तो गाइस, आज मेरा मेकअप जो है वो बहुत फटाफट होने वाला है, इसलिए हम बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 10 मिनट में मुझे रेडी होना है और 10 मिनट में मुझे अपना मेकअप करना है। तो गाइस, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँ कि अपना मेकअप 10 मिनट्स में, लेकिन मुझे 10 मिनट्स में अपना मेकअप करना है। तो सो स्टार्ट। तो सबसे पहले अभी मतलब 2 बजने में भी 10 मिनट है और 2 बजे तक मुझे अपना मेकअप करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपने फेस पे टोनर। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ थैंक यू वॉश का टोनर, जो कि है कुकम्बर टोनर। तो गाइस, मुझे जल्दी जल्दी से मेकअप करना है, तो इसलिए अगर कोई प्रोडक्ट मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिए, तो वहाँ मैं सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूँगी। तो उसके बाद मैं अपने मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ करी अपना VLCC का मॉइस्चराइज़र। इस मॉइस्चराइज़र का रिव्यू जो है वो मैंने अपने चैनल पर पहले दे रखा है, तो वो वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो गाइस, ये बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइज़र है। तो फेशियल ऑयल है VLCC का, शेप अप नाम सुन के ना सभी डर जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं ये शेप के लिए ऑयल है। नहीं गाइस, ये फेशियल ऑयल भी है, आप इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लगभग 2-3 साल से इस फेशियल ऑयल को यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही बढ़िया है, और इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर। तो प्राइमर में मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्राइमर, क्योंकि तो गाइस, इसको मैं सिर्फ अपने पोर्स एरिया पे ही यूज़ करूँगी, जहाँ पर मुझे थोड़ी थोड़ी पोर्स की प्रॉब्लम है। तो 10 मिनट में रेडी होना मेरे लिए भी एक चैलेंज है। तो गाइस, अगर देखते हैं मैं किस तरह का रेडी हो पाती हूँ। तो उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा क्या यूज़ करना है। हाँ, उसके बाद मैंने यूज़ करनी है अपनी ऑरिफ्लेम की पीच परफेक्टर, द वन पीच परफेक्टर ऑरिफ्लेम का। गाइस, ये बीबी क्रीम है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास जो भी बीबी क्रीम है आप इस मेकअप में यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी बीबी क्रीम, ऐसे बीबी क्रीम काम करती है बहुत अच्छी। तो गाइस, इसमें एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा इसमें कलर करेक्टर भी मिक्स होता है बीबी क्रीम में, इसलिए इसका टोन इस टाइप की है, लेकिन जब आप इसको अपने फेस पे लगाते हो तो हर टाइप की स्किन पर ये, हर कलर की स्किन टोन पर ये जाता है। तो आज मैं फिंगर से ही इसको सब कुछ स्मज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ब्रश के लिए, और बीबी क्रीम तो फिंगर से ही बहुत अच्छे से आपके फेस पे अप्लाई हो जाती है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरह से अप्लाई होगी मेरे फेस पे ये बीबी क्रीम। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना द वन ऑरिफ्लेम का एवर लास्टिंग कंसीलर। तो गाइस, आज लगता है कि मैं सारा ना ऑरिफ्लेम का ही सारा कुछ यूज़ करने वाली हूँ। एक्चुअली इसकी शेड जो है ना, ये बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करूंगी और बहुत जल्दी जल्दी से अप्लाई करूंगी। अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी से मेकअप कर रही हूँ। जब भी मुझे जल्दी जल्दी में कहीं जाना होता है ना, मेरा कुछ ना कुछ यहीं पे रह जाता है, मैं कुछ ना कुछ हमेशा भूल जाती हूँ। कभी मैं अपना मिस्ट लगाना भूल जाती हूँ, कभी मैं अपना सेटिंग स्प्रे लगाना भूल जाती हूँ, कई बार तो मैं कंसीलर को भी भूल जाती हूँ। तो कंसीलर को मैंने कर लिया है, और उसके बाद मैं यूज़ करी अपना फेस पाउडर। और फेस पाउडर को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेस पाउडर मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, ये है पाउडर मैट फाउंडेशन। गाइस, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है, अगर आप जैसे बीबी क्रीम यूज़ कर रहे हो आज कहीं जाने के टाइम, तो आप अगर इसको यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा आपको कवरेज देता है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी कवरेज दे रहा है मेरे फेस पे। कॉम्पैक्ट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसने कवरेज दिया है मेरे फेस पे। तो कॉम्पैक्ट से भी मैंने फेस कर लिया है सेट,
और उसके बाद टर्न है मेरे आईब्रोज की। आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ मिस क्लियर का आईब्रो पैलेट। तो गाइस इसमें मैं दो शेड्स मिक्स करके मेरी शेड बनती है। तो जैसे भी आईब्रोज ड्रॉ होते हैं मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। अगर गाइस कुछ गलत हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, मुझे पता है एकदम से परफेक्ट आईब्रोज नहीं फील हो रहे, बट मुझे अभी बहुत जल्दी कहीं जाना है तो सो मुझे बहुत जल्दी मेकअप करना है। और उसके बाद स्पूली के साथ मैं इसको सेट कर लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी है वो भी इसमें से निकल जाए। नॉट बैड। तो उसके बाद और अब गाइस आप इसको एक ट्रिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जल्दी जल्दी से आई शेडो उठाने का या लेने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने अपने थोड़ा सा लिप कलर को अपने ब्रश पे लिया है और देन वो कुछ ज़्यादा लग गया, ये यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा फिर। और इनको कर लिया है ब्लेंड मैंने बहुत अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ वो जबन, इसके बाद मैं अपने ये कंटूर किट है इसको मैंने हाइलाइटर में यूज़ करना है और हाइलाइटर अपना थोड़ा थोड़ा अपने आईज पे थोड़ा सा स्प्रेड करने वाली हूँ। मैंने हाइलाइटर को ही अपने आईज पे थोड़ा सा लगा लिया। तो अब उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना लाइनर। ये है मेरा ग्लैम स्टॉक का मियोन का लाइनर है और ग्लैम स्टॉक का लाइनर है। तो गाइस इसमें हल्का सा मैं विंग बनाऊंगी। तो और गाइस भी ये ब्लू शेड में है बड़ा अच्छा विंग ड्रॉ हो गया मुझे और इतनी जल्दी में एक विंग ड्रॉ आ जाना ना बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद मैं अपना काजल यूज़ कर रही हूँ। काजल मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कॉलोसल 24 शेड काजल, जो भी है काजल ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी गाइस। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना, फिर मैं मस्कारा भूलने वाली थी वो खुल जा। ये है मेबलिन का हाइपर पोकल मस्कारा। मैं ब्लशर के लिए यूज कर रही हूँ अपना शुगर की पैलेट में से ब्लशर यूज कर रही हूँ। तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है ब्लशर की।
वाओ। और उसके बाद इसी में से मैं यूज करूंगी अपना हाइलाइटर। और हल्का सा मैं हाइलाइटर यहाँ से अपने ब्रॉज पर भी लगा लूंगी। वो तो अब फेस का काम मेरा हो गया और अब टर्न है मेरे लिप कलर की। और लिप कलर में मैं लगा रही हूँ अपना शुगर का स्मल्स मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक। इसमें मेरा शेड है 37 हॉट एप्रिकॉट। तो हॉट एप्रिकॉट है ये। और धन। और उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ अपना सेटिंग स्प्रे जो कि एन वाई एक्स का ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे। तो गाइस तो मेरा मेकअप हो गया है डन और मेरा रहता है बस हेयर स्टाइल बात करने के बाद मिलते हैं। आमरा जी, तो गाइज बहुत ही कम टाइम में मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। ओनली 12 मिनट्स में, लेकिन बात हमारी 10 मिनट की हुई थी ना, तो 2-3 मिनट इधर उधर चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट टाइम अगर आपको बोले ना कि लड़कियां तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है और 10 मिनट में कभी भी तैयार नहीं हो सकती, तो गाइज आप उसको मेरी वीडियो दिखा देना कि 10 मिनट में भी बहुत अच्छा तैयार हुआ जा सकता है। तो गाइस ये मेकअप अगर आप कहीं शाम के टाइम जा रहे हैं या कहीं डिनर पे जा रहे हैं तो आप ये मेकअप करके कहीं भी जा सकते हैं, आप बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत झटपट से इस मेकअप को कर सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये लुक? अगर आपको मेरी लुक पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।